चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। वैसे तो हिमाचल में दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी हैं, लेकिन तीसरा विकल्प अभी तक कोई भी राजनीतिक दल नहीं बन पाया है। ऐसे में अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तीसरे विकल्प के लिए रूप में सोलन में लगातार राजनीतिक जमीन तलाश रही है। इसी उपलक्ष्य में सोलन के माल रोड पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा की केंद्र सरकार और प्रदेश में कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा गया और उनके विरुद्ध नारेबाजी की गई। रोष प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया कि हिमाचल की जनता को अब तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। इस बारे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सोलन के संयोजक अजय भट्टी ने कहा कि आम आदमी की पहुंच से गैस सिलेंडर दूर होता जा रहा है, वहीं सस्ते राशन के डिपो में राशन की कमी कर दी गई है, पेट्रोलों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर भाजपा और कांग्रेस से हिसाब मांगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए क्या कदम उठाए और क्या राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि अब दोनों राजनीतिक दल इन सभी मुद्दों से हिमाचल की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का गंदा खेल खेल रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज जागरूकता अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है।